हाय एवरीवन, वेरी वॉम वेलकम्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ गुड वाइब्स का बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हॉल शेयर करने वाली हूँ। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, यूजुअली सेल पर स्पेशली आपको ये 200 रुपए से कम में मिल जाते हैं। लाइक ऑल द प्रोडक्ट्स आर अंडर ₹200 वेरी इजिली, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। मैं बहुत टाइम से गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स नए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स पुराने हैं, एंड मुझे पर्सनली गुड वाइब्स के काफ़ी प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। फॉर द प्राइस दे आर टॉप नॉच क्वालिटी, मुझे ऐसा लगता है। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है मेरा बिल्कुल 100% ऑनेस्ट रिव्यूज होंगे। जस्ट दैट समटाइम्स आई डू ऐड एफिलिएट लिंक्स। आप मेरे वीडियो के टाइटल को क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा सभी प्रोडक्ट्स। जैसे जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ वैसे वैसे उनके नाम और साथ में उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। वहां से जो भी बेस्ट सेल प्राइस अवेलेबल होगा वो आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही में आप वहीं से इन प्रोडक्ट्स में से कोई अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। ऑल्सो जो मैंने लिपस्टिक लगाई है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फूशिया पिंक कलर, लिक्विड मैट लिपस्टिक है, अफोर्डेबल है, वेट एन वाइल्ड की। इसका भी लिंक आपको ऊपर ऊपर ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जस्ट क्लिक द टाइटल ऑफ वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लू लिंक है, उसको क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं अपना हॉल वीडियो स्टार्ट करना चाहूँगी एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रही हूँ, एंड आई रियली लव दिस प्रोडक्ट सो मच। इसको मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। इस प्रोडक्ट में मैंने इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया है। तो ये है गुड वाइब्स का अंडर आई सिरम ककुम्बर एंड लेमन। ये प्रोडक्ट है 10 ml क्वान्टिटी एंड इसका प्राइस है 225, एंड आपको डिस्काउंट पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे दाम पर आराम से मिल जाएगा। इट कम्स इन अ ड्रॉपर बॉटल लाइक दिस। बहुत ही जल्द आपको इससे आपके अंडर आई पफिनेस का रिड्यूस होने में हेल्प मिलेगा, एंड डेफिनेटली अगर डार्क सर्कल कम करने की बात करते हैं तो डार्क सर्कल्स कम होने में टाइम लगता है, एंड मैंने उतना ज़्यादा रिलीजियसली इस प्रोडक्ट को नहीं यूज़ किया कि मैं डार्क सर्कल का इफेक्ट कोई बता पाऊँ। बट स्पेशली मेकअप करने के पहले अगर आप इसे अंडर आई एरिया पर लगाते हैं, आपका मेकअप बहुत अच्छे से अंडर आई एरिया पर सेट बैठेगा, बहुत अच्छे से आपका अंडर आई एरिया हाइड्रेट हो जाएगा। इट रियली फील्स अमेजिंग अंडर योर आईज, एंड इसमें ककुम्बर है, खीरा, और इसमें लेमन है। खीरा और नींबू सभी को पता है कि हमारे अंडर आई एरिया के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए, पफिनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। ये वैसे दिखने में ऐसा लगता है ऑयल बेस्ड सिरम, बट एक्चुअली इट इज़ वेरी 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 लाइट वेट। ये इतने अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाता है, 1% भी ग्रीजी नहीं लगता, 1% भी ऑयली नहीं लगता है। दिस इज़ परफेक्ट फॉर लाइक लिटरली ऑल स्किन टाइप, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। नाइट के टाइम पे ऑयली स्किन और नॉर्मल स्किन वालों को बहुत सही लगेगा। ड्राई स्किन वालों को हो सकता है कि थिक क्रीम लगाना ज़्यादा अच्छा लगता हो अंडर आइज में, बट इन एनी केस उन्हें भी ये बहुत अच्छा लगेगा। इसे तो मैं कई बार पूरे फुल फेस पे भी लगा लेती हूँ। आई लव दिस सो मच, बहुत अच्छे से मेरी स्किन को हाइड्रेट करता है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ जो मैंने नए प्रोडक्ट्स लिए हैं गुड वाइब्स के। दीज आर लाइक लिटरली वेरी न्यू फॉर मी, बट डैम इनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि ये मेरे गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स में शायद अब नंबर वन पे आ चुके हैं। मैं सबसे पहले आपको ये दिखाती हूँ, गुड वाइब्स की एम्बर परफ्यूम्ड क्रीम। इसका प्राइस है ₹249। अगेन आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे आराम से ये 200 से कम में मिल जाएगा। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, कि ऐसी ग्लास बॉटल में आता है विच इज़ वेरी स्टर्डी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये टूटेगा कांच आसानी से, एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन वाला है। इसको जब खोलते हैं तो इस तरह से ये डिब्बी वाला जो परफ्यूम होता है, ऐसा क्रीमी कंसिस्टेंसी वाला ऐसा निकलता है, एंड ये एम्बर वाला जो फ्रेग्रेंस है, इट हैज़ दैट मिंटी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है। इट्स नॉट टू लाइक ओवर पावरिंग, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट टू माइल्ड, बिल्कुल सही है। इट इज़ समवेयर इन बिटवीन, ज़रा सा आप ऐसे ऐसे लगा सकते हैं अपने नेक के पास में, ज़रा सा इस तरह से हाथ पे, एंड ये ऑलमोस्ट पूरा दिन स्टे करता है, एंड इट्स रियली ईजी टू कैरी इन योर पर्स एंड टच अप एज वेल। एंड ये एम्बर वाले की फ्रेग्रेंस मुझे स्पेसिफिकली सभी में से बेस्ट लगी। आई थॉट मुझे रोज़ वाले की सबसे अच्छी लगेगी बिकॉज आई एम लाइक ऑब्सेस्ड विद रोजेस, बट डैम इसकी फ्रेग्रेंस एम्बर वाले की हद से ज़्यादा अच्छी है। ट्रस्ट मी, यू नीड टू ट्राई दिस वन। अगर आपको परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं, इफ यू वॉन्ट कि खुशबू आती रहे, आप सारे दिन महकते रहे एंड कोई भी स्मेल ना आए, बॉडी ओडोर ना आए आपका, ट्राई दिस वन आउट, बहुत सही है। एम्बर वाले की महक ना बहुत ही प्यारी सी ठंडी ठंडी है। अब मेरे पास यहाँ पे आया है मुखालत परफ्यूम्ड क्रीम। मुखालत वाले पे रोज़ बना हुआ है और एक और वाइट कलर का एक फ्लावर बना हुआ है, इसके अंदर आती है बहुत ही प्यारी सी फ्लावरी वाली खुशबू, रोज़ वाली खुशबू, ऐसी इसकी पैकेजिंग है विच इज़ ब्यूटिफुल। एंड देन ये 10 ग्राम प्रोडक्ट है विच इज़ लाइक क्वाइट गुड इनाफ, बहुत सारा है ये, काफ़ी टाइम तक आपका चलेगा।
इसमें बहुत ही ज़्यादा प्योर फ्रेग्रेंस आती है इंडियन रोज़ की, एंड डैम इट इज़ रियली ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। आई एम सो ग्लैड कि मैंने सिर्फ एक नहीं, मैंने तीन तीन लिए हैं, आई एम लाइक रियली रियली हैप्पी अबाउट इट। देन नेक्स्ट अब मेरे पास है यहाँ पर गुड वाइब्स का ओथ परफ्यूम्ड क्रीम। इट हैज़ लिटल डिफरेंट फ्रेग्रेंस, मतलब मुझे पर्सनली एम्बर की और मुखालत की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ओथ की फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी है, इनफैक्ट चंदन के जैसी है। इसकी कंसिस्टेंसी एंड एप्लीकेशन प्रोसेस इज लाइक रियली इजी। सो ओथ की फ्रेग्रेंस ना काइंड ऑफ वुडी स्पाइसी टाइप की फ्रेग्रेंस है, वो फ्लारी वाली नहीं है और एम्बर जैसी मिंटी वाली नहीं है। मतलब इसकी एक न्यूट्रल सी अच्छी सी फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी फॉर दैट माइल्ड काइंड ऑफ डेलिकेट सी अगर वुडी फ्रेग्रेंस चाहिए ना, तो यू कैन ट्राई दिस वन। देन नेक्स्ट अब जो मेरे पास प्रोडक्ट है, ये पुराना वाला प्रोडक्ट है जो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। सो दिस इज़ गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर। आई लव दिस टोनर, बहुत ही ज़्यादा एक तो अफोर्डेबल है। सारे के सारे गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स क्रुएल्टी फ्री होते हैं, पैराबिन फ्री होते हैं एंड सल्फेट फ्री होते हैं, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। इसमें अल्कोहल भी नहीं है, ये 120 ml है, और अगर इसकी MRP की हम बात करते हैं, दिस इज़ ओनली फॉर 175 rupees, एंड ये बहुत ही ज़्यादा कम दाम पर आराम से मिल जाता है। रोज़ वाला इज़ परफेक्ट फॉर लाइक ऑल स्किन टाइप्स एंड स्पेशली ड्राई टू नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एंड बहुत ही अच्छा सा मिस्ट आता है इसका, और इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। इट फील्स लाइक कि बिल्कुल फ्रेश रोजेस की फ्रेग्रेंस आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये एज अ टोनर। स्प्रे बॉटल में है, वेरी नाइस पैकेजिंग, एंड इसका मैंने क्यूक्यूम्बर वर्जन भी ट्राई आउट किया हुआ है। क्यूक्यूम्बर बहुत ही ज़्यादा सही वाला है, बहुत रिफ्रेशिंग है समर्स में, आई लव दैट सो मच। वो मैंने अपनी भाभी को गिफ्ट कर दिया, इसलिए अभी मेरे पास है नहीं, बट डैम क्यूक्यूम्बर वाला इज़ वे टू गुड। एंड अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे लिंक्स के थ्रू आप खरीद लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, सभी लिंक्स आप चेकआउट करके देख सकते हैं, आपको बेस्ट सेल प्राइस, बेस्ट अवेलेबल प्राइस दिखाई दे जाएगा। अब मैं बात करती हूँ एक नए प्रोडक्ट की जो मेरे लिए न्यू है। सो ये है गुड वाइब्स का टी ट्री ऑयल प्लस होली बेजल वाला फेस वॉश। सो ये एंटी एजिंग एंड ब्लैक हेड रिमूवल के लिए है, और ये गुड वाइब्स प्लस वाली रेंज का फेस वॉश है। इसमें क्योंकि टी ट्री ऑयल है, तो पिंपल्स को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, स्पेशली ऑयली स्किन को बहुत अच्छे से सूट करने वाला है, एंड नॉर्मल स्किन को भी सूट करेगा। और साथ ही में इसमें बेजल है, तो बेजल भी एंटी बैक्टीरियल होता है, तो एक्ने वगैरह आने के कोई चांसेस नहीं है। ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को रिमूव करने में ये हेल्प कर सकता है काफ़ी हद तक, एंड ये एंटी एजिंग भी है। इट कम्स इन अ नाइस पम्प पैकेजिंग, एंड इसमें प्योर जैसे बेजल और टी ट्री ऑयल एडेड हो वैसी खुशबू आती है। इट हैज़ अ वेरी नाइस एंड लग्जरी पैकेजिंग। ये ग्लास बॉटल का है, विच डेफिनेटली मेक्स दिस यूनिक, बिकॉज इसके अंदर जो भी बेजल और टी ट्री ऑयल है वो बिल्कुल भी ख़राब होने के कोई चांस ही नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ 210 rupees का है, 100 ml है, बहुत ही अच्छे इसमें हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स हैं। आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस वन आउट, मतलब ये तो ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं अभी ही आपको रिकमेंड कर दूँ बिना यूज़ किए ही। इट इज़ लुकिंग रियली नाइस टू मी। अब बात करते हैं एक पुराने प्रोडक्ट की जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, एक्चुअली ये मेरी मॉम बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। सो दिस इज़ गुड वाइब्स रोज हिप सिरम। अगेन इट कम्स इन अ ग्लास बॉटल लाइक दिस, ब्लू कलर की पैकेजिंग है, एम्बर ग्लास बॉटल है, तो ये ख़राब नहीं होगा इसमें, एंड ड्रॉपर बॉटल होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट पैकेजिंग है। इट डज़ नॉट फील ड्राई ग्रीजी ऑन फेस, एंड ऑल्सो इट डज़ नॉट फील ड्राई ऑन फेस। ये परफेक्टली बहुत ही अच्छे से चेहरे को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, इट ब्लेंड्स इन द स्किन रियली इजिली। इसके बाद आप ऊपर से मेकअप भी कर सकते हैं, एंड ये रेडियंट ग्लो फेस सिरम है, एंड दिस इज समथिंग विच एक्चुअली हेल्प्स इन गिविंग द ग्लो। इसके अंदर सेसमे ऑयल, आमंड ऑयल, वाइटामिन ई, रोजिप ऑयल, होहोबा ऑयल और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो अब मैं बात करती हूँ एक न्यू प्रोडक्ट की जो मेरे लिए बिल्कुल न्यू है, बट मैंने इसको एक बार ट्राई आउट करके देखा है, इट इज़ रियली नाइस। ये कोकोनट वाली क्रीम है गुड वाइब्स की, एंड ये बहुत अच्छी है। देर आर फ्यू क्रीम्स ऑफ गुड वाइब्स विच आर रियली रियली लाइक, एक दो ऐसी भी हैं जो मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगती है, बट दिस इज़ समथिंग विच आई एक्चुअली रिकमेंड, बिकॉज मेरे को एक ही बार ट्राई आउट करने में बहुत ही ज़्यादा सही लगी। ये कोकोनट क्रीम ना बहुत ही अच्छे से चेहरे को मॉइस्चराइज करती है, एंड बिल्कुल भी फिर ये ग्रीजी फील नहीं करती है स्किन पे, विच आई टोटली लव। लेकिन इसका मॉइस्चराइजेशन वाला थिंग जो है वो बहुत ही अच्छा है, सो बिफोर मेकअप एंड स्पेशली एज अ नाइट क्रीम ये बहुत सही है। मेकअप इसके बाद ना ग्लाइड बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि बहुत सही वाली क्रीम है, एंड दिस इज अ ब्राइटनिंग फेस क्रीम, एंड आई लव द स्मेल ऑफ कोकोनट। अब मैं आपको प्रोडक्ट दिखा नहीं रही हूँ, जस्ट बता रही हूँ, बिकॉज मेरा खत्म हो गया यूज़ कर करके। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गुड वाइब्स का लिली वाला शार जेल,
बहुत सही है, इतनी प्यारी लिली की खुशबू आती है, वेरी नाइस एंड वेरी रिफ्रेशिंग। अलग अलग वेरियंट्स है गुड वाइब्स के शार जेल्स की, किसी की खुशबू कैसी है, किसी की कैसी है, किसी की थोड़ी केमिकली होती है, किसी की बहुत ही प्यारी नेचुरल सी फ्रेग्रेंस होती है। सो आई लव द वंस विच हैव अ वेरी ब्यूटिफुल एंड नाइस नेचुरल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। गुड वाइब्स का लिली ऑफ द वैली वाला शार जेल ट्राई आउट करके देखिएगा, आई एम श्योर यू आर गोना लव इट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वो। अब बात करती हूँ नया वाला वेरियंट, सो दिस टाइम आई हैव गॉट दिस लाइलैक वर्जन, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है ये, 100 ml वाला मैंने लिया है, 200 ml वाले में पंप आता है, आई फील कि ट्रैवलिंग के हिसाब से 100 ml वाला सही रहता, तो अभी मैंने 100 ml वाला लिया है और ये भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, 125 rupees का है। लाइलैक वाले की खुशबू भी हल्की हल्की सी, इट हैज़ अ नाइस लाइलैक फ्लावर, इसकी नेचुरल है, केमिकली फ्रेग्रेंस नहीं है। हर बार डिफरेंट डिफरेंट ट्राई आउट करने का मन होता है शार जेल, सो आई हैव गॉट दिस वन दिस टाइम। अब मैं आपको एक बताती हूँ पुराना प्रोडक्ट जो कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम से है, बट हाँ मैंने उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है बिकॉज मैं लिप बाम्स इतने यूज़ नहीं करती हूँ, बट डेफिनेटली माई लिप्स डू गेट ड्राई स्पेशली इन द टाइम ऑफ विंटर्स, तो उस टाइम पर मैं ट्राई आउट ज़रूर करती हूँ लिप बाम्स को। ये माचा ग्रीन टी वाला लिप बाम है गुड वाइब्स का, इट हैज़ अ नाइस फ्रेग्रेंस एंड ये लिप्स को हाइड्रेट करता है, बहुत ज़्यादा डीपली वो नहीं करता मॉइस्चराइज, बट एक लाइट हाइड्रेशन देता है, एंड लिपस्टिक लगाने के पहले अगर हल्का सा लगा लें तो सही लगता है, एंड इट्स अ नाइस लिप बाम, लाइक फॉर द प्राइस इट्स रियली गुड। ये पर्टिकुलर लिप बाम 125 rupees का, एंड ऑल्सो गुड वाइब्स से कितनी बार बाय वन गेट वन फ्री का स्कीम होता है, कितनी बार 50% ऑफ होता है, कितनी बार आप 7 products लो तो 7 आपको फ्री मिलेंगे, ये वाला स्कीम होता है, सो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगती है, मज़ा भी आता है शॉपिंग करने में जब इतने सारे स्कीम्स एंड ऑफर्स लगे होते हैं। अब मैं दिखाती हूँ गुड वाइब्स का जो मैंने न्यू प्रोडक्ट लिया है, आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन आउट, एंड ये है पोमीग्रेनेट वाला फोमिंग फेस वॉश। सो फोमिंग फेस वॉश जो होते हैं उनमें जो फेस वॉश का जेल या क्रीम होता है वो नहीं निकलता है, सो दे हैव अ नाइस पंप पैकेजिंग, पंप में से जब हम प्रेस करते हैं तो पूरा फोम बना हुआ फोम निकलता है, विच इज़ लाइक रियली लग्जरियस एंड अमेजिंग टू अप्लाई ऑन स्किन, बहुत मज़ा आता है ऐसे लगाने में। एंड ये पोमीग्रेनेट वाला है और इसका प्राइस 215 rupees है सिर्फ और सिर्फ, एंड इसकी क्वान्टिटी है 150 ml, विच इज़ लाइक गुड इनाफ, यूजली फोमिंग फेस वॉशेज आर एक्सपेंसिव एंड उनकी क्वान्टिटी भी कम होती है, इसकी क्वान्टिटी भी अच्छी है एंड ये पोमीग्रेनेट वाला है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस आउट, बिकॉज पोमीग्रेनेट में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, अनार स्किन को टाइटन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और स्किन को बहुत ज़्यादा रेडिएंट एंड ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक प्रोडक्ट जो मेरे पास बहुत पहले से है, निधि जैन जो मेरे लिए कई बार वीडियोज़ बनाती है, उसकी स्किन है ड्राई, शी लव्स गुड वाइब्स का वाटर मेलन जेल, इतना मैंने तो यूज़ नहीं किया बट शी हैज़ लाइक फिनिश्ड पूरा बॉटल आई थिंक इसका पूरा टब, मुझे जहाँ तक आइडिया है, और उसे बहुत बहुत लाइक बहुत ही ज़्यादा पसंद है वाटर मेलन जेल, स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है, प्लस ये जो गुड वाइब्स का वाटर मेलन जेल है इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो एग्जैक्टली वाटर मेलन जैसी है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है विच इज़ अमेजिंग। जेल की प्राइस भी बहुत सही है, 50 grams का ये है, साथ ही में सिर्फ 175 rupees का है, इसमें अलग साइजेस भी मिल जाते हैं, स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, इट एक्ट्स एज अ प्राइमर फॉर मेनी स्किन टाइप्स पर्सन एज वेल, आप ट्राई आउट करके देख सकते हैं इस जेल को एज अ प्राइमर ऑन योर स्किन एंड इट माइट वर्क फॉर यू, इट जस्ट गिव्स अ नाइस रेडियंट ग्लो टू योर स्किन जब आप इसको अप्लाई करते हैं, जब फ्रेशली अप्लाइड होता है ना बहुत ही प्यारा सा ग्लो आता है और ये ग्रीजी नहीं होता है, दैट्स द बेस्ट थिंग, अगर ऑयली स्किन है तो अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहते हैं जस्ट आप जेल भी लगा लेंगे ना तो उतना भी सफिशियंट है, बिकॉज ये हाइड्रेट कर देगा चेहरे को और थोड़ा सा टोन अप भी करेगा, पोर्स को भी टाइटन अप करता है। बाय द वे गुड वाइब्स के शीट मास्क तो मेरे पास बहुत सारे हैं, आई गॉट देम इन माई पीयर पैकेज, सो मैंने ये टी ट्री वाला यूज़ किया विच इज़ ग्रेट फॉर लाइक ऑयली स्किन एंड स्पेशली पिम्पल्स वाली स्किन के लिए, बहुत अच्छे हैं गुड वाइब्स के शीट मास्क की क्वालिटी इज़ रियली रियली नाइस, एंड एक नया वेरियंट मेरे पास यहाँ पर वाइट टी है विच इज़ लाइक अभी मुझे ट्राई आउट करना बाकी है, ये वाला स्पेशली ड्राई स्किन के लिए है, एंड देर आर मेनी शीट मास्क, पूरा वीडियो है गुड वाइब्स शीट मास्क का मेरे चैनल पे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँ। ओके सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं आपको वाटरमेलन जेल दिखा रही थी जो कि मैं मेरे पास पहले से है, मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ थोड़ा बहुत, एंड देन आई हैव दिस पोमीग्रेनेट वाला जेल, ये मैंने अभी नया लिया है पोमीग्रेनेट वाला, बिकॉज एंटी ऑक्सीडेंट रिच होता है एज आई टोल्ड यू गाइज, एंटी रिंकल होता है और इसकी खुशबू ठीक है,
नॉट द बेस्ट वन, लाइक बाकी जेल्स की ज़्यादा अच्छी लगी मुझे खुशबू, बट इट्स नाइस, इट्स गुड. गुड वाइब्स के जेल स्पेशली डी आई वाइज में मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. आई लव टू यूज़ दम इन माई डी आई वाइज. एंड देन जो नेक्स्ट मेरे पास है वो है ये गुड वाइब्स का रोज़ एंड मलबरी जेल, जो कि मेरे पास बहुत टाइम से है. एंड मैंने इसका डी आई वाई बना करके एक रोज़ वाला सिरम भी बनाया है, जिसका लिंक भी मैं आपको कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ. तो इस वजह से मेरा एक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, एंड इसको मैंने वैसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया है बिकॉज रोज़ एंड मलबेरी वाला है. एंड एज आई टोल्ड यू गाइज, एंड यू माइट बी नोइंग अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, कि मुझे रोज़ की फ्रेगरेंस बहुत पसंद है. एंड रोज़ एंड मलबेरी यानी कि गुलाब और शहतूत, शहतूत भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में. बहुत मुश्किल से आते हैं पूरे सीज़न में ना, बड़ी मुश्किल मिलते हैं. एंड ये जो रोज़ एंड मलबेरी जेल है, इट हैज़ अ वेरी नाइस लाइट पिंक कलर, एंड बहुत ही अच्छा से स्किन को हाइड्रेट करता है. Feels beautiful on skin, and इसका जो खुशबू है that's very very lovely, because वो बिल्कुल Indian roses जैसी प्यारी सी एक खुशबू आती है, which I totally love. So अब जो मैंने नया वाला लिया है वो है पपाया जेल, बिकॉज पपीता is again good for skin hydration देने के लिए भी, और स्किन को थोड़ा सा एक ग्लो देने के लिए भी. Also I do love papaya, and ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा yellowish shade का है. इसकी खुशबू प्यारी आ रही है, लाइक बहुत प्यारी आ रही है. इट इज़ नॉट लाइक पपाया वाली फ्रेगरेंस, बिकॉज एज सच पपाया में कोई होती नहीं है इतनी फ्रेगरेंस. ये पपाया वाली इसकी जेल की फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, एंड इट इज़ गिविंग नाइस रेडियंट ग्लो ऑन माई स्किन एज वेल, जैसा कि आप देख सकते हैं. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस वन आउट. बहुत ही अच्छा लग रहा है लगाने में, सूदिंग है बहुत ज़्यादा. दीज जेल्स आर लाइक रियली सूदिंग एंड रिलैक्सिंग ऑन स्किन. स्किन को हाइड्रेट कर देते हैं एंड मॉइस्चराइज कर देते हैं. दैट्स इट, दैट्स व्हाट दे डू. कोई बहुत ज़्यादा अलग से कुछ नहीं करने वाले स्किन के लिए, बट इतना भी करते हैं ये बहुत बड़ी बात है, सच एन अफोर्डेबल प्राइस पे. तो मुझे पर्सनली बहुत सही लगते हैं. अब गुड वाइब्स में वैसे मैंने फेस पैक भी ट्राई किए हैं, स्क्रब भी ट्राई किए हैं, कुछ अच्छे हैं, बट अभी मुझे ना मेरा पर्सनल फेवरेट वाला कुछ उसमें से मिला नहीं है, कि जो मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊं तो ऐसा कुछ है नहीं. जो अभी मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे ना प्रोडक्ट्स, वो मैंने आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं. आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. कोई भी प्रोडक्ट का बेस्ट प्राइस देखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, उन्हें क्लिक करके चेकआउट कीजिएगा. कुछ खरीदना हो तो उन्हीं के थ्रू आप खरीद सकते हैं. थैंक यू so much for watching. I'll see you guys in my next video.